अब हम बात करेंगे एक दूसरे वर्ग की, जहाँ पर बहुलकों को संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जब संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर्स, शाखित श्रृंखला बहुलक जिसे हम ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स कहते हैं, तिर्यक बंध बहुलक जिसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलीमर्स या रेखीय बहुलक। जो रेखीय बहुलक होते हैं उसमें जो एकलक अणु हैं वो आपस में एक दूसरे से लंबी श्रृंखलाओं के रूप में बंधे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लंबी श्रृंखला है इस तरह ये एक विमी संरचना के रूप में हमें दिखाई देती है, और ये जो रेखीय संरचना है जहाँ पर एकलक अणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से स्थित है। तो इनके एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्थित होने से एक घनिष्ठ सुसंकुलन संरचना बनती है, और इस वजह से इस प्रकार के जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं। इनकी जो टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, तन्य सामर्थ्य होता है, या इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो भी बहुत उच्च होता है। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक में यही खास बात है कि इसमें जो एकलक अणु हैं वो आपस में जुड़कर एक लंबी सीधी श्रृंखला के रूप में ये जुड़े हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्थित हैं कि ऐसा लगता है कि इनका जो घनी सुसंकुलन है वो बहुत ही प्रबल होता है। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जिसमें कि विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे अणु आपस में लीनियर फॉर्म में जुड़े हुए हैं, या हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE को देखते हैं जिसमें CH2 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 होल एन इस तरह से एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है रेखीय बहुलक की। दूसरा हम देखेंगे शाखित श्रृंखला बहुलक, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। तो वैसा ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर इसका लीनियर पॉलीमर्स के जैसा ही होगा कि एकलक इकाइयां आपस में एक दूसरे से तो जुड़ी हैं, जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाई हुई हैं, इसे हम मुख्य श्रृंखला कह सकते हैं। और इस मुख्य श्रृंखला से कई सारे ऐसे देखिए पार्श्व श्रृंखलाएँ निकली हैं। ये जो पार्श्व श्रृंखलाएँ होती हैं वो भी एकलक अणुओं से ही बनी हुई है। तो ये जो पार्श्व श्रृंखलाएँ होती है इसकी ब्रांचिंग के कारण, इस श्रृंखला के कारण इसका नाम पड़ता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। तो ये जो शाखित श्रृंखला बहुलक होते हैं ये अनियमित रूप से संकुलित दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई एक के ऊपर एक स्थित है ऐसा नहीं है। इसमें पहले एक मुख्य श्रृंखला है और उससे जो एकलक अणु हैं वो शाखा के रूप में ऐसे निकले हुए हैं। तो ये अनियमित संकुलित स्ट्रक्चर है। इसका जो गलनांक है, घनत्व है, या तन्य शक्ति होती है वो रेखीय बहुलक की तुलना में थोड़ी कम होती है। रेखीय बहुलकों के लिए हमने देखा कि घनत्व अधिक है, टेंसाइल प्रॉपर्टी अधिक है, और उसका गलनांक भी अधिक है। इसका जो बाकी सब कैरेक्टर है उसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, स्टार्च है, अमाइलोपेक्टीन है, और इसमें जो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन है, पॉलीथीन को भी दो पार्ट में बांटा गया है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी। लीनियर पॉलीमर से उसमें हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन आता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लो डेंसिटी पॉलीमर्स होते हैं वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो स्ट्रक्चर है CH2 CH CH2 CH2, फिर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो इसमें फिर ये श्रृंखला बाहर की तरफ निकली है CH2 CH, फिर इधर CH3, इधर CH2, फिर CH2, या इधर CH3 नहीं करेंगे तो यहाँ भी CH2 और बॉन्ड लगा देंगे। तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए हम एक लंबी श्रृंखला बना दिए और उसके साथ ये ब्रांचिंग कर दिए बाकी सारे जितने भी एकलक अणु हैं एथिलीन के। तो इस तरह से ब्रांच चेन पॉलीमर्स का निर्माण होता है। तीसरा जो वर्ग है वो है तिर्यक बंध बहुलकों का, या इसे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स भी कहते हैं। इसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा लीनियर पॉलीमर की तरह यहाँ भी एक मुख्य श्रृंखला तो है ही, और ऐसे कई सारे लीनियर पॉलीमर्स जो है लीनियर रूप से, लीनियरली जो मोनोमर से यूनिट है वो आपस में ऐसे जुड़े हैं। आपस में कई सारे एकलक अणु के जुड़ने से एक लंबी श्रृंखला तो बनी, साथ साथ में ब्रांचिंग भी हुआ।
तो यहाँ पर जो एक श्रृंखला है वो दूसरी श्रृंखला से जुड़ते हुए एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो कई सारे जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे से बहुत अधिक मात्रा में जुड़ कर के एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है बहुत अधिक कड़ा होता है, दृढ़ होता है और भंगुर होता है। तो इस प्रकार के जो बहुलक का निर्माण है वो संघनन के कारण होता है, या हम कह सकते हैं कि इस संघनन के कारण ही यहाँ पर क्रॉस लिंकेज होता है, तिर्यक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो बहुलक होते हैं, तिर्यक बंध बहुलक, प्रायः देखा गया है कि ऐसे अणुओं के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं जहाँ पर द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक समूह होते हैं। यानी ऐसे अणु जिनमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हो या तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, वो इस प्रकार से जुड़कर एक नेटवर्क जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जैसे बेकेलाइट है, ग्लिप्टल, मेलामाइन, इन सब का प्रयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक देखते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो है संश्लेषण के आधार पर। संश्लेषण यानी किस प्रकार से बहुलक का निर्माण हुआ है, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के बहुलक होते हैं। एक होता है योगात्मक बहुलक, एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा है संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर्स। पहला हम देखेंगे योगात्मक बहुलक, एडिशन पॉलीमर्स। तो जैसा इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि जितने भी एकलक अणु होंगे वो आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं, और जुड़कर जब ये श्रृंखला बनाते हैं तो किसी भी प्रकार के छोटे अणु, जैसे जल का अणु हो या अमोनिया का अणु हो या अल्कोहल का अणु हो, इसका विलोपन यहाँ पर नहीं होता है। यानी कोई भी अणु जो है बाहर यहाँ पर नहीं निकलता है, कोई भी छोटे अणु का विलोपन यहाँ नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो उत्पाद बनता है उसे हम कहते हैं योगात्मक बहुलक, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है योगात्मक बहुलक बनने की, इसे हम कहते हैं योगात्मक बहुलकीकरण की प्रक्रिया। यहाँ भी हम देखते हैं कि जब इन बहुलकों का निर्माण होता है तो दो बंध या तीन बंध वाले जो एकलक अणु हैं वे ही इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि द्विबंध या त्रिबंध युक्त जो अणु होते हैं उनके ही बार बार रिपीटेशन से योगात्मक बहुलकों का निर्माण होता है। तो अभी हमने पीवीसी कई बार सुना, तो अब हम पीवीसी में जो विनाइल क्लोराइड है उसकी संरचना या सूत्र के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl विनाइल क्लोराइड के N अणु हैं। अब ये जो विनाइल क्लोराइड है ये कई बार आपस में रिपीट होगा तो बन जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड को हम पहले नहीं लगाएंगे, एक बॉन्ड लगा दिए बड़ा ब्रैकेट CH2CHCl, और CH के साथ हम एक बॉन्ड और लगा दिए और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके होल N कर दिए। कार्बन की वैलेंसी आप देखिए, इन दोनों तरह के या दोनों सिरों की तरफ बॉन्ड लगाते हुए जब हम कार्बन की वैलेंसी को काउंट करते हैं तो हर जगह हम ये पाते हैं कि कार्बन की वैलेंसी चार है। जैसे CH2 है तो C इधर एक बॉन्ड, दोनों H से दो तीन हो गया और इधर एक हो गया। तो इस तरह से कार्बन 1, 2, 3, 4 संयोजकता इसकी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण हुआ। इन योगात्मक बहुलकों को भी हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी हम इसे समबहुलक और सहबहुलक के रूप में देख सकते हैं। समबहुलक ऐसे बहुलक जिसमें हमने देखा कि एक ही प्रकार के एकलक अणु के संयोजन से समबहुलक का निर्माण हुआ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं योगात्मक बहुलकों की, जहाँ पर एकलक अणु के बार बार योग होने से, बार बार रिपीट होने से बहुलक का निर्माण हुआ है। तो यहाँ हम एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसका नाम है पॉलीविनाइल साइनाइड, या इसे हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो पॉलीविनाइल साइनाइड, तो सबसे पहले हम पॉली शब्द को हटा देंगे तो इसका जो एकलक है वो क्या होगा, विनाइल साइनाइड। तो विनाइल साइनाइड का सूत्र भी CH2 डबल बॉन्ड CHCN। देखिए ये जो सूत्र है ये भी विनाइल क्लोराइड से मिलता जुलता ही है, साइनाइड हमने लगाया Cl को हटाकर तो ये बन गया विनाइल साइनाइड।
इसके बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़े तो बन गया पॉलीविनाइल साइनाइड। तो यहाँ भी CH2CHCN और कहीं भी हमने यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगाया, केवल बड़े ब्रैकेट के दोनों सिरों पर एक एक बॉन्ड लगा दिया और होल एंड कर दिया, जो ये दर्शाता है कि विनाइल साइनाइड के कई सारे अणु आपस में जुड़े और पॉलीविनाइल साइनाइड का निर्माण हुआ। यहाँ पर किसी भी छोटे अणु का विलोपन नहीं हुआ है, तो यह एक योगात्मक बहुलक है। इसी प्रकार से योगात्मक बहुलक की एक और कैटेगरी हम देखेंगे, सह बहुलक की, जिसे हम विषम पॉलीमर्स भी कहते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलक अणु होते हैं या एक से अधिक प्रकार के एकलक अणु के जुड़ने से सह बहुलक का निर्माण हुआ, इसे हम विषम बहुलक भी कहते हैं, को पॉलीमर्स भी कहते हैं। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे सह बहुलकीकरण या सह बहुलीकरण भी कहते हैं। तो इसके कई उदाहरण हमने देखा था, ब्यूना एस का जब निर्माण देखा तो ब्यूना एस को बनाने के लिए ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन है। इसके निर्माण में भी आपने देखा है कि किसी प्रकार के छोटे अणु का विलोपन नहीं हुआ है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 स्टाइरीन है और इनके जुड़ने से ये बन गया है ब्यूना एस, जहाँ पर हम देख रहे हैं CH2CH डबल बॉन्ड CH CH2CH C6H5 और CH2 और होल एंड कर दिया। तो यहाँ देखिए किसी प्रकार के छोटे अणु का विलोपन नहीं हुआ है, यह एक योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। तो योगात्मक बहुलक को दो भाग में बांटा गया, एक सह बहुलक और एक सम बहुलक। तो जो योगात्मक बहुलकों को हमने देखा, इनका जो आणविक सूत्र है या इनका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो एकलक अणुओं का ही पूर्ण गुणांक होता है या पूर्ण गुणक होता है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी छोटे अणु का विलोपन नहीं हुआ, तो जैसा सूत्र हमने देखा एकलक अणु के लिए बहुलक निर्माण से पहले, बाद में भी हम देखते हैं कि उसका जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का योग होता है, तो उसी तरह का सूत्र लगभग हमें दिखाई देता है। यानी आणविक सूत्र में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्रारंभिक यानी एकलक की तुलना में जो बहुलक बना है उसका आणविक सूत्र या आणविक द्रव्यमान एकलक का ही गुणक होता है, यानी बार बार पुनरावृत्ति से ही इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण हुआ। अगला हम देखेंगे संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, इसमें दो या दो से अधिक, जो दो अलग अलग द्विक्रियात्मक समूह या कहें त्रिक्रियात्मक समूह, ऐसे अणु जिसमें कि दो क्रियात्मक समूह हो या तीन क्रियात्मक समूह हो, उन इकाइयों के बीच जब रिपीटेशन होता है, उन इकाइयों के बीच क्रिया होती है, तो संघनन बहुलक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बहुलकों के निर्माण के समय विशेष बात यह है कि यहाँ पर छोटे छोटे अणु जैसे कि H2O है, CO है, CH3OH है, इन अणुओं का विलोपन होता है। जब दो एकलकों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर छोटे अणु का विलोपन होता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन बहुलकीकरण। तो संघनन बहुलकीकरण की प्रक्रिया में हमने देखा कि दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह वाले जो एकलक इकाइयां होती हैं वो आपस में क्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ खास बात यह है कि इन बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान होगा वह एकलक के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणांक नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर छोटे अणुओं का जैसे H2O है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, मिथाइल एल्कोहल है, इनका विलोपन यहाँ देखने को मिलता है। तो इसका एक उदाहरण हमने देखा था अभी कि नायलॉन 6,6। तो जब नायलॉन 6,6 का निर्माण हुआ तो वहाँ हमने देखा कि NH2 का H और COOH के OH से मिलकर एक जल का अणु बना, और चूँकि ADP कम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन दोनों का ही NN अणु है, तो जल के अणुओं की संख्या भी असंख्य होगी, वो भी NH2O ही होगी। तो जब ADP कम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के जुड़ने से, दोनों के रिपीटेशन से नायलॉन 6,6 बनता है, बहुत अधिक संख्या में जल के अणुओं का विलोपन भी साथ साथ होता चलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी तुलना में, एकलक अणुओं की तुलना में जो नया बहुलक बना है उसका आणविक द्रव्यमान और आणविक सूत्र उसका गुणक नहीं हो सकता।
अब हम योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलकों के अंतर के बारे में जानेंगे। योगात्मक बहुलीकरण दो या दो से अधिक समान एकलक इकाइयां आपस में संयोजन कर जटिल अणु बनाती हैं, जबकि संघनन बहुलकीकरण में दो विभिन्न क्रियात्मक समूह वाले अणु आपस में क्रिया करके एक दूसरे से जुड़कर बहुलक बनाती हैं। योगात्मक बहुलीकरण में सरल उपजात अणु जैसे वाटर, अमोनिया का विलोपन नहीं होता है, जबकि संघनन बहुलीकरण में सरल उपजात अणु वाटर, अमोनिया का विलोपन होता है। योगात्मक बहुलीकरण में बहुलक का आणविक द्रव्यमान एकलक इकाइयों के आणविक द्रव्यमान का पूर्ण गुणांक होता है, जबकि संघनन बहुलीकरण में बहुलक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान एकलक इकाइयों के आणविक द्रव्यमान का सरल गुणांक नहीं होता है। योगात्मक बहुलीकरण में जो यौगिक बनते हैं वे नरम प्रकृति के होते हैं, जबकि संघनन बहुलीकरण से जो बहुलक बनते हैं ये कठोर प्रकृति के होते हैं।